दोस्तों ये ऑन डिमांड वीडियो है। इसमें सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स करके बोला था कि ईकेआई सर्विसेज के ऊपर शेयर एनालिसिस कर दो, तो यो रही वीडियो आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माय स्टेलर इनोवेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 साल में 4,300% के रिटर्न दिए हैं, और इसमें बोनस स्प्लिट हुआ है 3:1 का, वरना तो रिटर्न रहा है 12,900%। और आज भी ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। ईकेआई एनर्जी सर्विस लिमिटेड कंपनी के रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 190 करोड़ से बढ़कर 1800 करोड़ तक बढ़ गए हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन 13% से बढ़कर 29% तक बढ़ गए हैं। इनका इतना तेज़ी से बढ़ने का कारण है कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस में इतनी तेज़ी से बढ़त होना। अब हम पहले ये जानेंगे कि कार्बन क्रेडिट्स होता क्या है और इसके प्राइसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं, और ईकेआई का बिजनेस क्या है, और क्यों माना जा रहा है कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ 200x तक हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, मैं इसमें कंपनी से लेकर स्टॉक की हर एक चीज़ को डिस्कस करूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि फ्यूचर में आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, और ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। और कार्बन क्रेडिट एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है कि आप किसी एक्टिविटी की वजह से एटमॉस्फेयर में 1 टन ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन GHG रिडक्शन। और कार्बन क्रेडिट्स को स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स के एक्सचेंजेस हैं, पर कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंजेस अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स बनाए कैसे जाते हैं। इसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस कम हो सके। फिर इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करवाने के लिए प्रोजेक्ट ओनर को ये प्रूव करना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेस गैस रिड्यूस हो जाएंगी। फिर प्रोजेक्ट ऑनर को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी पड़ती है जिससे मॉनिटर किया जा सके कि इस प्रोजेक्ट से कितनी ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो रही हैं, और इस मॉनिटरिंग के बेसिस पर प्रोजेक्ट ऑनर को कार्बन क्रेडिट इशू किया जाता है। कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड करने के लिए 2 मार्केटप्लेसेस होती हैं। एक होती है कंप्लायंस मार्केट और एक होती है वॉलंटरी मार्केट। कंप्लायंस मार्केट में होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट अपनी कंट्री की कुछ कंपनीज पे लिमिटेशंस को इम्पोज कर देती है कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं कर सकते। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक सीमेंट कंपनी है जिसका नाम है ABC सीमेंट्स, और एक दूसरी कंपनी है उसका नाम है XYZ सीमेंट। तो इन दोनों कंपनीज को गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 100 टन सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए 100 टन से ज़्यादा CO2 का एमिशन नहीं करना है। अब ABC सीमेंट कंपनी ने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की और साल के लास्ट तक 100 टन सीमेंट प्रोड्यूस करने में सिर्फ 90 टन CO2 एमिट की। ऐसे में इसको 10 टन के कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, यानी कि इनको 10 क्रेडिट कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइन से 10 टन कम CO2 एमिट की। और वहीं दूसरी कंपनी जिसका नाम है XYZ सीमेंट कंपनी, इसने 100 टन सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए 110 टन CO2 एमिट किया। तो इनके पास 10 टन एक्स्ट्रा CO2 इमिट इन्होंने कर लिया, इसकी वजह से इसको ऑफसेट करने के लिए 10 कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे। अब करते हैं दूसरी मार्केट की बात। दूसरी मार्केट होती है वॉलंटरी मार्केट। अब क्या है ना कि
कई ऐसी कंपनीज हैं जिस पे गवर्नमेंट ने CO2 एमिशन की कोई लिमिट ही नहीं लगाई है, पर इन कंपनीज को अपना CSR पूरा करना होता है। CSR का मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें होता क्या है कि इनको अपने प्रॉफिट के कुछ छोटे से हिस्से को सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करना होता है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने एक्स्ट्रा CO2 एमिशंस को कार्बन क्रेडिट्स खरीद कर ऑफसेट कर रही हैं। पहले तो सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग वॉलंटरी मार्केट में ही होती थी, क्योंकि बहुत सारे देशों में अपना कोई कंप्लायंस मार्केट ही नहीं है। पर अब 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि अब सभी कंट्रीज़ को अपनी कंप्लायंस मार्केट बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। 2021 में यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हुई जिसमें 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया। उसमें ये था कि इनको 2050 से 2070 के बीच में कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेनी है। अब कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने का मतलब हुआ कि कंट्रीज अपने कार्बन अमीशन को जीरो कर देंगी। इसमें ये अपनी अननेसेसरी कार्बन अमीशन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स को बाय कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं अपने कार्बन अमीशंस को। इस तरह से ये जीरो कार्बन अमीशन अचीव कर लेंगे। इंडिया में भी अभी तक कोई भी कंप्लायंस मार्केट नहीं है, पर 9 अगस्त 2022 को एक न्यूज़ आई थी कि लोकसभा में एनर्जी कंजर्वेशन के अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है। इस बिल में एक प्रपोजल ये भी था कि इंडिया में कार्बन कंप्लायंसेस की मार्केट बनाई जाए। अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो इंडिया में कार्बन कंप्लायंस मार्केट बन जाएगी। और एक बार ये कंप्लायंस मार्केट बन गई तो ना, इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस तरह से वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ धीरे धीरे अपनी कंप्लायंस मार्केट बनाती जा रही हैं, और वैसे वैसे ही कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और हम सबको अच्छे से पता है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड अगर बढ़ती है ना, तो उसके प्राइजेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। इसी वजह से 2022 में कार्बन क्रेडिट के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कई साल तक कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस यूं ही बढ़ते रहेंगे। EKI एनर्जी सर्विसेज के मैक्सिमम रेवेन्यू कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग से आते हैं, और अमेंडमेंट बिल के प्रपोजल में एक पॉइंट ये भी था कि इंडिया में जो कार्बन क्रेडिट बनाए जाएंगे उनका एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में एक्सपोर्ट बैन होने से EKI के रिवेन्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि लोकसभा में जो भी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं उनसे कंपनी के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोकसभा में जो भी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं वो कंप्लायंसेस मार्केट के लिए किए गए हैं। और EKI जो कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करती है वो वॉलंटरी मार्केट में करती है, मतलब कि अमेंडमेंट के बाद भी EKI सर्विसेज अपने कार्बन क्रेडिट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकेगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 1000 क्लाइंट्स हैं। इन क्लाइंट्स को कंपनी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है। एडवाइजरी सर्विसेज में कंपनी अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करवाने में हेल्प करती है, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग में भी हेल्प करती है। फिर इनके प्रोजेक्ट से जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होते हैं उनको मोनेटाइज करवाने में भी EKI हेल्प करती है। तो EKI जैसे कि रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करती है, तो कार्बन क्रेडिट्स के मोनेटाइज होने पर जो भी रिवेन्यू आता है उसकी कुछ परसेंटेज EKI को भी मिलती है। इसके अलावा कंपनी कुक स्टोव्स को भी मैन्युफैक्चर करती है, और उसका कुछ पार्ट अपने क्लाइंट्स को भी सेल करती है। एक्चुअली इनका ये प्रोजेक्ट है कुक स्टोव्स का, जिसमें ये जैसे घरों में चूल्हे लगे होते हैं, जो उनके पास जो मॉडर्न कुक स्टोव्स नहीं है, तो उनको ये मॉडर्न कुक स्टोव्स फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि इनका मानना है कि ये एक्स अमाउंट ऑफ CO2 एमिट कर रहे हैं एनवायरमेंट में, उसको ये कंट्रोल कर सके। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है इनका, तो इसके तहत ये कुक स्टोव्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको फ्री में ऐसे हाउसहोल्ड्स को देते हैं जिनके पास मॉडर्न कुक स्टोव्स नहीं है। और देखिए, कंपनी एक ना स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 4909 रुपीज़, और जो कंपनी का जो PE रेशो है वो 10.8 है।
कंपनी का पीई रेशियो 10.8 होने की वजह यह है कि जो कंपनी का जो बिजनेस है ना वो काफ़ी अनसर्टेन है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि वो वॉलंटरी मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग होने देगी नहीं होने देगी, क्या पता कल के दिन सिर्फ कंप्लायंस मार्केट में ही ट्रेड करने दे, तो कभी अनसर्टेनिटी है इस वजह से ना। तो अभी इसका पीई काफ़ी लो में मिल रहा है और यही टाइम भी है इसको बाय करने का, बट ये है कि रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा है। पर यह है कि आगे हम कंपनी के कुछ और रेशियोज को देखेंगे ना, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो एक साल में 843% रही है वन ईयर में इन टर्म्स ऑफ CAGR, और प्रॉफिट ग्रोथ रही है 1950%, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका वन ईयर का 176% रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 236% रहा है। कंपनी की अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखूं तो कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स प्रमोटर के पास होल्ड हैं, इनके पास 73.47% स्टेक है इसका, और पब्लिक के पास 15.51%, DIS के पास 5.73% और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 5.29%। और अच्छी बात यह है कि कोई भी इनका स्टॉक कोई भी प्लेज नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग कोई भी प्लेज नहीं है इनकी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा रिस्क यह है कि गवर्नमेंट की आगे कैसे पॉलिसीज आ सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो सही लगी होगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।